आशीष साहब आगे बढ़ो। लोगों का पार्टी नहीं है, एवरेज गिन दिया जा रहा है, जानबूझ के डैम मारा जा रहा है, जानबूझ के रात के अंधेरे के अंदर जाकर स्कॉट के जरिए रेड मारी जा रही है। इन लोग को नया कनेक्शन चाहिए, वो नया कनेक्शन नहीं दे पाए। ऐसे तमाम लोगों को हमने सिर्फ बुलाया था और हमने उनसे एक जीरोक्स कॉपी मंगाई है, वो कॉपी अभी हमारे पास में है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर बैठकर बाजू में बैठकर अधिकारी बैठे, ठीक हो नीचे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी लगा कर बैठे, लेकिन हमारी एक एक बात का वो खुलासा करे, जवाब दे। और इसके बाद ये शहर वालों के साथ उनका रवैया कैसा होगा, क्या फाल्टी बिल बंद करेंगे, क्या एवरेज बिल बंद करेंगे, या रात की स्क्वाड की कार्रवाई बंद करेंगे, या नया कनेक्शन देंगे या नहीं देंगे, या आवाम को तकलीफ देना बंद करेंगे कि नहीं करेंगे। ये तमाम एक खुलासा हम लोग यहाँ पर आज चाहते हैं। और साथ साथ में कंपनी असल में बहुत चालाक है, ये हम यहाँ के मूल रहवासी है, मालेगांव के हम पैदा यहाँ पर हुए, हमको कारोबार यहाँ करना है और हमको मरना भी यहाँ। और पावर कंपनी जो आई है वो यहाँ पर रुपया पैसा कमाने आई है, और चालाकी है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बोलना चाहता हूं, या यहाँ के मशीनरी जो सरकारी है, चाहे प्रांत हो, चाहे एडिशनल कलेक्टर हो, या पुलिस डिपार्टमेंट, मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपसे मेरा सवाल है यहाँ के प्रशासन से, अगर कोई बंदा साइना सेवार के अंदर रहता है, कोई बंदा अगर दरेगांव सेवार में रहता है, कोई बंदा अगर रमजानपुरे में रहता है, कोई अगर मालदे में रहता है, तो बताइए अगर उसका कोई बिजली का मसला है, बिल का मसला है, पावर बिल भरना है, या ऐसे तमाम उसको परेशानी है, तो उसको कहां जाना पड़ता है, उसको स्क्वायर बिल्डिंग सटाना नाका पे जाना पड़ता है। ये एसी ऑफिस के अंदर बैठते हैं, 200 रुपया रिक्शे का किराया देता है सामने वाला, उसका काम नहीं होता वो वापस आता है, फिर दूसरे दिन बुलाया जाता है, फिर जाता है, हजारों रुपया उसका खर्च हो जाता है। अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सीओ को बैठना है तो जितने अधिकारी वहां बैठते हैं, जितने ऑफिसर बैठते हैं प्राइवेट कंपनी के, उन लोगों ने कम से कम इस जगह के ऊपर बैठकर ये शहर के आवाम का कामकाज करना पड़ेगा। अब जो दादागिरी है कि स्क्वायर मीटिंग के अंदर आकर आपको बात करना, एक मैसेज भेज दिया जाता है मोबाइल के ऊपर कि आपको फॉल्ट मिला है, आपको आकर बिजली धन भरना है, बात करना है, वो शख्स तो तुम वहां बैठते बुलाते हो स्क्वायर मीटिंग के अंदर, वहां पर बात करते हो और बात नहीं बनती तो उसको पुलिस केस की धमकी दी जाती और उसका फाइल पुलिस स्टेशन में भेजकर उसके ऊपर एफआईआर किया जाता। अब ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये गांव हमारा है, तुम्हारे बाप का नहीं है, तुम्हारे बाप का नहीं है। और मेरा सवाल है कि हुकूमत महाराष्ट्र ऊर्जा डिपार्टमेंट से आपका कौन सा एग्रीमेंट हुआ, अब वो कॉपी भी हमको आज चाहिए। क्या एग्रीमेंट हुआ ये भी हमको चाहिए, शहर के आवाम के सामने रखना चाहिए। अगर हुकूमत ने, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने अगर आपको टेंडर दिया, ठेका दिया शहर का, तो उस एग्रीमेंट के अंदर यह तो लिखा होगा कि पैसा वसूल करना, लॉसेस कम करना, उसके साथ साथ में इस शहर की आवाम को क्या सहूलत देना वो भी तुमको बताना पड़ेगा। सिर्फ वसूली करने के लिए ठेका नहीं दिया गया, नया ट्रांसफार्मर लगना चाहिए, उसके अंदर लिखा होगा, नई केबल लगना चाहिए उसमें लिखा होगा, अंडरग्राउंड केबल डालना चाहिए यह लिखा होगा, नए सब स्टेशन बनाना है वो लिखा होगा। आज तुम ये बोलते हो कि हमारे पास ओवरलोड है, हम नए कनेक्शन नहीं दे पाएंगे।
तो आपके दो साल गुजर गए, अब तक तुमके सो नहीं ठीक है कंपनी। हमको कनेक्शन भी चाहिए, हमको नए ट्रांसफार्मर भी चाहिए, हमको नए सब स्टेशन भी चाहिए, हमको नए केबल भी चाहिए, हमको नए कनेक्शन भी चाहिए, अंडरग्राउंड केबल भी हमको चाहिए, और हमको नए कनेक्शन भी चाहिए, और लोड शेडिंग भी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ा महावितरण के भी और कंपनी आने से, और ज्यादा बढ़ गई है लोड शेडिंग, तो ये भी अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और जिस दिन हमने अगर पिक्चर बताया तो उस दिन हम ये शहर से एक रुपया वसूल नहीं कर सकते, एक रुपया वसूल नहीं कर सकते। आज हम लोग तो बात करने के लिए आए और उसके लिए हमारी तैयारी है। किसने अधिकार दिया आपको? मैं डिपार्टमेंट से बोलना चाहता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट से। ये शहर बहुत हसास है, बहुत सेंसिटिव शहर है। ये रात में किसकी परमिशन से जाके किसके कारखाने के अंदर घुस कर रेड मारते हैं? किसकी परमिशन से? कारखाने के अंदर हमारी मां बहने तरासन भरती है, ये उनके साथ भी बदतमीजी करते हैं, ये मजदूरों से भी बदतमीजी करते हैं, ये जाके दादागिरी की भाषा इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी ने भूलकर ने, या कोई दुकानदार ने, या चक्की वाले ने अगर उनको दो शब्द पूछा, सवाल जवाब करने लगा, तो सीधा हद्दी के पुलिस स्टेशन में जाकर बैठते, सामने वाले ने हमको गाली की और मारा और झूठी फरियाद दर्ज कराई जाती। तो डिपार्टमेंट ने रात के समय के अंदर कम से कम इन लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। और रात बैठ के अंदर अगर कुछ हुआ, शहर का लैंड ऑर्डर खराब हुआ, और अगर कोई घटना हुई, तो कंपनी तो जवाबदार रहेगी, लेकिन पुलिस भी जवाबदार रहेगी, क्योंकि इनको रात में बंद होना चाहिए स्पॉट, रात के स्पॉट बंद होना चाहिए। और टीम ने भी अगर ये रेड करते हैं तो चार पंच शामिल रहना चाहिए। इनके बाप का राज नहीं चला, ये चार अधिकारी कहीं भी घुस जाएंगे और पंचनामा कर लेंगे, मीटर लेकर चले जाएंगे। इनको चार पंच के साथ में बात करना चाहिए और पंचनामा करना चाहिए। कोई चोरी कर रहा है तो हमारा उसको कभी पाटिंबा नहीं होगा, कोई गलत काम कर रहा है तो हमारा कभी पाटिंबा नहीं होगा, लेकिन अगर दादागिरी की जाएगी तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात आज कंपनी ने नोट कर लेना चाहिए। जब कंपनी सोचती है कि डिपार्टमेंट हमारे जेब में है, तो पुलिस इस बात को नोट करे कि ये लोग बोलकर बैठते हैं ऑफिसों के अंदर, और ये बोलते हैं कि डिपार्टमेंट हमारे जेब में है। यानी पुलिस के ऊपर जो विश्वास भी शहर के आवाम का, जो भरोसा है, वो भरोसा तोड़ने का काम ये कंपनी के लोग करते हैं, आपकी बदनामी करते हैं। किसी और को जेब में रख सकते हैं, हम इसमें के लोग नहीं है कि इनकी कंपनी की केबिन में जाकर इनका काजू बादाम खाएंगे, इनका कॉफी पिएंगे, इनकी बिस्किट खाएंगे, हम ऐसे लोग नहीं है। हमको पता है जब मीटिंग आप लेते हो तो कितने एजेंट नुमाइंदे के साथ बैठकर आप एजेंटगिरी करते हो, ये हमको समझता है। और तुम्हारे नीचे के ऑफिसर जो एजेंट काम करते हैं, जो एजेंट लॉबी जो शहर के नुमाइंदे के साथ आती है, शहर का नुमाइंदा उनकी पहचान कराता है कि मेरे लोग है ये एजेंटगिरी करेंगे, आप उनका साथ देना। तो फिर चाहे वो बासु साहब हो, रत्नाकर हो, पुरोहित हो, आरिफ हुसैन हो, प्रेम सिंह हो, सबकी कैबिन के अंदर बैठकर वो एजेंट लोगों को काजू बादाम और चाय पानी की जाती है। हम उसमें के लोग नहीं, हम जमीन पे बैठ के आवाम का काम करने वाले हैं। अगर यह धंधा अगर कंपनी ने नहीं बंद करी तो मजबूरी में आइंदा कदम हमारा ऐलान होगा कि शहर के अंदर इनका बायकॉट किया जाए, एक भी स्कॉट की गाड़ी को घूमने ना दिया जाए, एक भी बिजली बिल ना भरने दिया जाए, एक भी कर्मचारी को ना घूमने दिया जाए। ऐसा ऐलान करने पर हमको मजबूर मत करो, और अगर तुम्हारी जबान और तुम्हारा तरीकाकार बदलना होगा, और पूरी ऑफिस सटाना नाते की इस कैंपस के अंदर लाना होगा, और यहाँ पर बैठकर ये शहर की आवाम यहाँ के मसाइल हल करेंगे। और हम आज आए, हम सुनना चाहते अधिकारियों के जबान से कि आपका एग्रीमेंट कहाँ है, हमको उसकी कॉपी चाहिए।
आप बोलोगे लेकर दो, हम लेकर अभी लेके जाएंगे। आप बोलेंगे कि इतने पेज की कॉपी है हमारी एग्रीमेंट की, उसकी फीस दो, उसका पैसा मिले, लेकिन हमको कॉपी चाहिए। राजेश है कि आवाम को समझे क्या एग्रीमेंट हुआ है, आज तक नहीं बात हमारे सामने। और जो हमने परंतु मेमोरेंडम में लिख कर दिए उसका जवाब हमको चाहिए, उसका जवाब हमको चाहिए। और हम चाहते हैं कि आज आप हमको बताए, वहां खड़े रह के बताए, पुलिस की निगरानी में बताए, हमको कोई बोलना नहीं, हमको लड़ाई करने नहीं, लेकिन आपकी बात सुनने के लिए हम यहां पर आए हैं, इसका जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा। और असलम भाई से मैं चाहता हूं दो बात करें जब तक वो लोग आ रहे हैं।